हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी निशू खान। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फेयरनेस क्रीम, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिल रहे थे दैट हमें कोई फेयरनेस क्रीम बताएं। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वही साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी फेयरनेस क्रीम है अच्छी और कौन सी नहीं, क्योंकि मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साथ ही साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हो कोल पड़ी है सारी की सारी। ये हैं वो सारी फेयरनेस क्रीम जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं खरीदी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि कौन सी क्रीम्स जो हैं आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो हम डिटेल से बात करेंगे, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो क्रीम मेरे लिए काम करती है वही क्रीम आपके लिए बिल्कुल वैसे ही काम करे। कौन सी स्किन टाइप है आपकी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे, लेकिन मेरी स्किन टाइप है ड्राई, यानी मेरी स्किन है ड्राई, तो मैं रिकमेंड कुछ नहीं करी यहाँ पे आप लोगों को। आप ख़ुद ख़रीदो, देखो वीडियो, देखो इंग्रेडिएंट्स, देखो जब भी जाओ आप शॉप पे तो सबसे पहली चीज़ होती है इंग्रेडिएंट्स। आप इंग्रेडिएंट्स देखो, अपने स्किन के हिसाब से जो है वो चीज़ सिलेक्ट करो। यूं ही बस चीज़ को उठा के लेपा थोपी मत करो, क्योंकि वो स्किन को अक्सर डैमेज करती है। तो हम ज़्यादा बकवास नहीं करते, मुँह हम फेयरनेस क्रीम के बारे में ही बात करेंगे। तो मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और यह और कुछ नहीं करना, बैठे रहिए, वीडियो देखते रहिए, मज़े उड़ाते रहिए। तो पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है फेड आउट ओरिजिनल ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर SPF 15 फॉर रेडियंट ब्राइट एंड इवन स्किन टोन, क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स इन 4 वीक्स। ये बाय फार मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस है 685 समथिंग। मैंने लोकल शॉप से खरीदे हैं सारे प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करूँगी अगर ऑनलाइन वेबसाइट्स मुझे मिली तो वो मैं डाल दूँगी, अदरवाइज गुजारा करो, शॉप्स ढूंढते रहो, मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो बस टिक के घर पर बैठे रहो। तो ये आपकी स्किन को क्या करती है, इवन टोन मिलाती है, आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करती है आपके फेस पे से। ये मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि ये इसका टेक्सचर जो है ना बहुत ही क्रीमी है, यानी क्रीमी के साथ साथ थोड़ी थिक भी है, यानी ऑयली स्किन के लिए मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी थिक है। यानी इधर से आप देख लो थोड़ी सी थिक है, लाइट फॉर्म में नहीं है ये क्रीम। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है तो मॉइस्चराइज करती है। इस टब में आपको 75 ml मिलेगा 600 समथिंग का, और ये टब फॉर्म में है, यानी जो जार है वो शीशे का है। तो कोशिश करें अपने जो क्रीम्स और मॉइस्चराइज़र होते हैं वो किसी और को ना दिया करें, क्योंकि हर कोई उंगली मारता है अंदर, उसमें जर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से पिम्पल्स निकल आते हैं। हम कोशिश करें कि कहीं स्पैचुला, छोटा सा स्पैचुला होता है, उसकी मदद से अपनी क्रीम को निकाल के उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई किया करें। अपनी उंगली भी जो है ना टब में ना मारें, क्योंकि वो बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है। सनब्लॉक की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सनब्लॉक के बगैर भी इसे लगा सकते हैं, थोड़ी देर में ही ये अब्जॉर्ब हो जाती है, स्टिकीनेस बिल्कुल भी नहीं होती। थोड़ी सी हैवी है, ऑयली है थोड़ी सी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। और क्लिनिकली ये प्रूवन है कि आपकी स्किन को जो है अगर ब्लैमिश स्कार्स है उसको रिमूव करती है, यानी काले पीले जो धब्बे होते हैं फेस पे उसको भी रिमूव करती है। और 4 हफ्तों में इसका रिजल्ट आपको दिखता है। सारी स्किन टाइप्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये थोड़ी सी ऑयली है या थोड़ी सी हैवी है, तो ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन यानी कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। डेफिनेटली वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि मेरी फ्रेंड को ऑयली स्किन था उसका, वो भी यही यूज़ करती थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उससे। ये ब्राइटनिंग क्रीम है, ये फेयरनेस आपके फेस को प्रोवाइड करती है। इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स भी हैं जो आपके फेस पे यानी टाइम टू टाइम आपकी स्किन को जो है फेयर करती है। और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना यूज़ करने के बाद। दिस क्लीन एंड क्लियर की फेयरनेस क्रीम इसमें है SPF 15, यानी आपको सन ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑयल फ्री फेयरनेस क्रीम, यानी ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छी है, और इसकी प्राइस है 200 समथिंग। तो इस क्रीम के प्रोज मैं आपको बताती हूँ कि स्किन को बहुत ही मैट फिनिश लुक देता है,
ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप क्योंकि थोड़ी बहुत ड्राइनेस हो जाती है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इसका। फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ही माइल्ड है। ये जो क्रीम है वो भी है व्हाइट कलर की, क्रीमी टेक्सचर है, नॉट बहुत ही थिक और नॉट इतना क्रीमी और लाइट वेट के। ट्रैवल फ्रेंडली है। हम बात करेंगे इसके कॉन्स के बारे में। इसके कॉन्स यही है कि ये थोड़ी बहुत ड्राइनेस जो है फेस पे लेके आती है अप्लाई करने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। ये सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल नहीं है। थर्ड जो इसका कॉन है इम्पॉर्टेंट वो है इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि स्किन के लिए अच्छे नहीं है लॉन्ग टर्म यूज के लिए। यानी इसमें है पैराबेन्स, अल्कोहल के लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं। यानी ये क्लेम ऐसे करती है कि ये आपको देगी बहुत ही फेयर कम्प्लेक्शन देगी, यानी बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं इन्होंने इस बॉक्स पे, जो कि इतने बड़े बड़े दावों पे ये क्रीम उतरती नहीं है। नॉर्मल सी क्रीम है, यानी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे होती है, सिंपल एज दैट वैसी क्रीम है। कोई इतना अनोखा काम नहीं करती कि बस आपको बस कुछ ही अरसे में चिट्टा बना दे, नहीं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। बजट फ्रेंडली है, अगर थोड़े अरसे के लिए आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही प्यारी क्रीम जो कि है हिमालया हर्बल क्लियर कम्प्लेक्शन व्हाइटनिंग डे क्रीम। डीपली हाइड्रेट्स, लाइटन्स एंड इवन स्किन टोन। यानी इतने बड़े बड़े दावे करती है ये हिमालया को। हिमालया का तो आप सबको पता होगा, इसकी प्राइस आई थिंक 800 or 400, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई होप कि इसकी प्राइस थी 800 समथिंग। प्राइस पॉइंट देखिए तो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इतना कुछ ये करती नहीं है, जब कि इसके इंग्रेडिएंट यानी लिकोराइस जो है वो लाइटन करता है, इवन करता है स्किन टोन को, ब्लेमिशेस को रिमूव करता है, और दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वाइट डैमर वो थोड़ी बहुत माइल्ड पिगमेंटेशन को जो है वो आपकी स्किन से दूर करता है। फिर बात करते हैं इसके जार की, तो पैकेजिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है। फिर से ग्लास टब है इसका, लिड खोलने पर आपको मिलेगा अंदर से इस तरह की बेज कलर की क्रीम होती है, इसकी स्मेल बहुत ही मज़े की है, और आपको मिलेगा 50 ग्राम मिलेगा, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। मैं फिर बोलूँगी स्पैचुला की मदद से क्रीम निकालें, उंगली ना यूज़ करें, हाइजेनिक बने, अपनी स्किन का ख्याल रखें। तो इसका टेक्स्चर जो है, अभी मैं उंगली मार रही हूँ सॉरी अच्छा तो क्योंकि मेरे हाथ साफ है। तो ये क्रीम जो है बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। जो एक्सपेक्ट करती थी मैं इससे वैसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, आपकी स्किन को फेयर नहीं करता, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। एज अ मॉइस्चराइजर अगर आप इसे यूज़ करना चाहो डेली बेसिस पे तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करती हूँ आप ये ख़रीद लो। स्मेल बहुत ही रिफ्रेशिंग है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप के लिए है। एक इंग्रेडिएंट था जो कि मैं शॉक हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ नेचुरली लिया गया है सन प्रोटेक्शन के लिए, तो ये आपकी स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है सन से। ट्रेवल फ्रेंडली नहीं है। फिर ग्लास पैकेजिंग है इसकी। एवलाइन की वाइटनिंग क्रीम वो भी बहुत अच्छी है, बजट फ्रेंडली है, आप लोग उसे यूज़ करो, वो बहुत ही अच्छी है। मैंने यूज़ की है, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छा रहा है। एक्चुअली मैं उसे ख़रीदना चाहती थी लेकिन वो मुझे मार्केट में मिली नहीं दोबारा से। अब से मैं क्या करूँगी, अब तो मैं यूट्यूबर हो गई हूँ, पहले तो मैं चीज़ें फेंक देती थी, लेकिन अब मैं चीज़ें संभाल के रखूँगी, उसके टब यानी ये क्रीम्स वगैरह जो हैं वो फिनिश हो जाएँ तो फिर मैं चीज़ें संभाल के रखूँगी, क्योंकि आइंदा में फिर ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो द नेक्स्ट फेयरनेस क्रीम है वो है गार्नियर की लाइट एंड रेडियंट फेयरनेस क्रीम, जिसमें है SPF 17। एंड गार्नियर को कौन नहीं जानता, ये है गार्नियर की फेयरनेस क्रीम। आपको मिलेगा 40 ml 365-350 समथिंग में, और ये जो है अभी आप देख सकते हो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसका टेक्स्चर आपको बता दूँ कि ये थोड़ी बहुत ऑयली है, आपके फेस को वाइट कास्ट देती है। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, आपके स्किन को जो है वो थोड़ा बहुत इंस्टेंट फेयरनेस देती है। और गार्नियर जो है वो बहुत ही सूटेबल है ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी आने वाली है, ऑयल्स
को कंट्रोल नहीं करता बल्कि ऑयली स्किन को जो है वो और भी ऑयली बना देती है ये क्रीम। ये था गार्नियर जो कि आपको देगा सिर्फ इंस्टेंट इफेक्ट, फेयरनेस, नथिंग एल्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओले नेचुरल वाइट इंस्टेंट डे यानी इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस क्रीम। ये भी सेम एज गार्नियर की तरह ही है यानी आपको इंस्टेंट फेयरनेस देगी। इसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है जो कि आपको फेयरनेस दे। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, इसमें SPF भी नहीं है। इट कंटेन अल्कोहल और पैराबेंस वगैरह जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। लेकिन अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो थोड़े अरसे के लिए यानी महीना यूज़ करते हो छोड़ते हो फिर महीना यूज़ करते हो छोड़ते हो तो फिर ये आपकी स्किन को इतना प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आपको मिलेगी 40 ग्राम मिलेगा आपको। इसकी प्राइस मुझे भूल चुकी है बट ये भी बजट फ्रेंडली है, नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। क्रीम जो है बहुत ही क्रीमी है और कलर जो है इसका पिंकिश कलर में है और थोड़ा बहुत फेयरनेस यानी वाइट कास्ट जो है आपके फेस पे छोड़ देती है। पता क्या है कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है, क्लेंस करना है अपने फेस को फिर उसके बाद इसे अप्लाई करना है। इसे रात को भी यूज़ कर सकते हो यानी सोने से पहले इसे अप्लाई कर सकते हो यानी इस पर ये लिखा गया है कि ये आपकी स्किन को फेयर करेगा अगर आप इसे रात को अप्लाई करोगे। अदरवाइज मुझे ऐसा फील तो नहीं हुआ कभी इसे यूज़ करके कि आपकी स्किन टोन को जो है वो लाइट करता है। फिर सन प्रोटेक्शन देता है, नॉन ग्रीसी है, लाइट वेट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस वन इज द लास्ट फेयरनेस क्रीम, दिस इज कॉल्ड पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी नॉन ऑयली लाइट फील फेयरनेस क्रीम जो कि बेस्ट बेस्ट क्रीम है फॉर ऑयली स्किन। अच्छा ये मैंने यूज़ नहीं की, ये मैंने किसी की रिकमेंडेशन पे बाय की है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये ऑयली स्किन के लिए द बेस्ट फेयरनेस क्रीम है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। लेकिन आई थिंक कि ये कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। ये अंदर से दिखती है, ये 140 रुपीज़ की मैंने ली थी, बहुत ही छोटा जार है ये, बल्कि ये आपको हर एक पैकेज यानी डिफरेंट जार्स में मिलेगी, यानी इससे बड़े जार्स आपको मिलेंगे अगर आप लेना चाहो तो। तो ये अंदर से कुछ इस तरह से पिंकिश कलर में होती है और ये बहुत ही अच्छी है गर्मियों के लिए क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है और ये पसीने को रोकती है यानी आपके पोर्स को जो है उस पे से ऑयल जो निकलता है उसको रोकती है। तो बहुत ही मज़े का ड्राई इफेक्ट है इसका यानी टोटली वो जगह जहाँ पे आप ये क्रीम लगाओगे बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है। इसकी स्मेल बहुत ही मज़े की फ्लोरल सी स्मेल है इसकी, मुझे तो बहुत पसंद है इसकी और मैंने इसके काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े हैं तो उसमें ये बताया गया है कि अगर आपके स्पॉट्स हैं फेस पे तो वो ये रिड्यूस करती है ये क्रीम। बाकी मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं रहा, मैंने ये यूज़ नहीं की, एक बार अप्लाई की है फेस पे बट मेरे फेस पे तो जैसे कि जगह जगह पे जम ही गई थी क्योंकि मेरा फेस जो है वो है ड्राई। और बेसिकली मैं ये रिकमेंड करूँगी ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए, आप इसे बड़े जार्स में भी ले सकते हो, आपको मिलेगा 140 रुपीज़ का 25 ग्राम। अगर आपको स्किन आपकी स्किन पे सूट करती है आपको अच्छी लगती है तो फिर बड़ा जार ख़रीद लो। मुझे सबसे अच्छी बात सिर्फ पॉन्ड्स इस क्रीम की यही लगी है कि ये बहुत ही मिनी में आया है यानी सैम्पल फॉर्म में कि आप ट्राई करो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So yeah, see you in my next video. Till then, take care.